मैं इसकी आवाज जानता हूँ, यहाँ नहीं रुकने का। चलो यहाँ नहीं रुकना है किसी हालत में। Hey guys, what up everybody? It's your boy Dani Zihan back at it again with a new video. Hey, what's up, Mishra ji? Okay, so guys, जैसे तुम लोग देख सकते हो, आज का वक्त स्टार्ट हो रहा है बहुत अजीब तरीके से, हमेशा होता है सो वही। अरे मेरे बाल बहुत ज़्यादा खराब है, पता नहीं क्यों। ओके सो गाइस, सबसे पहले मैं तुम लोग एक बात बता दूँ, कल मैंने अपनी कार को बाहर निकाला था एंड इसके ऊपर इसने सब मारा और ये हिलने लगी। फिर उसके बाद मैंने एक पुलिस वाले को ठोक दिया जिससे इसका ये निकल गया। वो बात अलग है, उसने मुझे थोड़ा छिलाया बट मैं बना दूंगा, ऐसा दिखा मत, बहुत गंदा लग रहा है। सो वही एंड एक और एक चीज़, मैंने अभी वहाँ लात मारा, ये बाहर आ गया। व्हाट द फक डूड, बचा ही है। ओके सो गाइस, मैंने अभी अपनी कार की बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर दिया जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। बुरा लग रहा है, पैसे लगते रूट से बनाने के लिए। ओ भारी रहे। चलो ओके सो गाइस, सबसे पहली चीज ये मत दिखाओ भाई तुम्हें। ओके सो गाइस, इधर सैनिटाइजर को मैं ऊपर चढ़ा तो मेरे हाथ गंदे हो गए थे। तो गाइस, हमें आइडिया नहीं हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, बट सबसे पहली चीज़ गाइस हम करेंगे वो है हमेशा की तरह हम मजे करेंगे। ओके सो गाइस, मुझे तुम लोगों से एक बात करनी है जो कि मुझे बहुत वक्त से करनी थी एंड ये चीज़ के बारे में बहुत वक्त से सोच रहा था कि मैं क्यों ना डेली व्लॉग्स करूँ। बिकॉज बहुत लोग मुझे बोल रहे थे बहुत वक्त से, जब मेरा बड़ा चैनल था, कि भाई तुम्हें डेली व्लॉग्स करना चाहिए, एंड तब मुझे अक्ल नहीं आई जो कि वो लोग बिल्कुल सही थे, मैं बिल्कुल गलत, मुझे डेली व्लॉग्स करने चाहिए थे बट मैं बहुत ज़्यादा आलसी हो गया था एंड इसी वजह से मेरा चैनल उड़ा। बिकॉज ऊपर वाला चाहता था कि मैं डेली व्लॉग्स करूँ एंड गाइज अब इस चैनल पर मैं डेली व्लॉग्स करूँगा। सो अब से रोज़ व्लॉग आएंगे एंड तुम लोग रोज़ देखोगे एंड हर व्लॉग बॉम्ब होगा। सो वही ओके सो गाइज, जिसको नहीं पता ये मेरी बाइक है और नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है। अगर तुम लोग ने अभी तक फैमब्राम ही ज्वाइन नहीं किया है, अगर तुम ज्वाइन करना है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, आगे उसके ऊपर प्रेस करो एंड फैमब्राम ही ज्वाइन करो। एंड अगर तुम लोग ने अभी तक फैमब्राम मर्च नहीं बाय किया है तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तुम जाके बाय कर सकते हो। सो गाइस, सबसे पहले मैं तुम लोग एक चीज़ बता दूँ, अंदर इतना गर्म है अभी डूड, हम लोग को बाहर जाना है बट अंदर इतना गर्म है, कसम से डूड अंदर इतना गर्म है कि अगर मैं कच्चा अंडा फोड़ के डालूंगा ना वो पूरा की पूरा पक जाएगा, उसको बॉईल करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की नहीं डूड, ये भाप मार रहा है लिटरली। मैं एक मिनट के लिए हम लोग अंदर नहीं बैठ सकते, अंदर इतना गर्म है। तो बाहर जाने से पहले मैं काम करूँगा, मैं इसका थोड़ा सा विंडो काउंट करके जाऊँगा ताकि इसके अंदर की जितनी भी गर्म भाप है वो बाहर निकल जाए, इनमें से बाद में लेके बाहर निकल सकूँ। तो फिलहाल के लिए हम अपनी बाइक लेके बाहर जाएंगे, निकलते हैं बाहर घूम के आते हैं, कहाँ रहे कहाँ नहीं, थोड़ा कुछ ढूंढते हैं ना। Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds chirping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. ओके सो गाइस, मुझे तुम लोग से कुछ बात करनी है, तुम लोग कुछ बताना है। फिलहाल अभी हम लोग मॉल की पार्किंग के अंदर हैं, यहाँ पर हम लोग कुछ काम से आए, थोड़ा वो काम निपटा के हम लोग जाएंगे। गाइस, मुझे अभी मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आया था, मुझे एक अबैंडन प्लेस पर जाना है, आई मीन देखने आना उस जगह को, बस हमारा वहाँ पर फोटो शूट है तो मुझे यहाँ की जगह देखनी है, वो जगह कैसी है कैसी नहीं, आई मीन हमें जैसी जगह चाहिए वैसी जगह है कि नहीं। तो डूड बहुत मज़ा आएगा, बिकॉज मैंने लास्ट टाइम भी दो तीन जगह अबैंडन प्लेसेस एक्सप्लोर किया है एंड वो सब जगह एक्सप्लोर करने बहुत ज़्यादा मज़ा आती है, बिकॉज वहाँ पर भूत भी होते हैं। सो भाई तो गाइस, पहले हम यहाँ पर जाते हैं, वहाँ जो काम है वो कर लेते हैं, बिकॉज मैं यहाँ पर एक पार्लर में जाना है मुझे एंड थोड़ा सा आई मीन जो स्किन टैन हुआ है वो सब सही करना है एंड इसका नोट डिलीट भी आएंगे। सो गाइस, सबसे पहली बात, हमें रास्ते में एक चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगी, आई मीन अफसोस हुआ कि हमारे पास कार जो है हम बाइक लेके आए और इतनी धूप लगी है डूड, भाप मार रही थी, वो चलता मैं कार लेके आता तो वो कार में थोड़ी देर में एसी चालू करता सब ठंडा हो जाता, बट चल भी थी ना भैया, इतने हाथ पूरे काले हो गए। ऑल राइट सो गाइस, जैसे कि मैंने तुम लोग को मॉल की पार्किंग के अंदर बोला था कि मैं मॉल में कुछ काम से आया हुआ, इसके बाद हम लोग जाने वाले एक अबैंडन बिल्डिंग के अंदर, बिकॉज मुझे वो बिल्डिंग जाके पहले चेक करनी थी, बिकॉज हम लोग यहाँ पर एक फोटो शूट करने वाले हैं एंड मुझे यहाँ पर बुलाने वाला बंदा है रेहान, इधर आओ भाई। सो इस जगह के बारे में मुझे इस बंदे ने बताया एंड अगर यहाँ पर भूत रहा तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर फेंक के जाऊँगा, इसने बोला ये अबैंडन बिल्डिंग है, यहाँ पर मुझे भूत भूत नहीं दिखना चाहिए, और दिखेगा तो भाई तुम लोग आ जाना बचाने हैं, देखते हैं पहले अंदर क्या है क्या नहीं। मेरी टांग टांग चक गई थोड़ी सी। तो गाइस, दिखने के अंदर तो ये सही में थोड़ी भूतिया बिल्डिंग है, अभी अंदर जाकर देखते हैं यहाँ पे क्या दिखने मिलेगा और क्या नहीं। बाय द वे डूड, सही में यहाँ पे बहुत ज़्यादा सन्नाटा है एंड कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पूरा
ऐसा तुझे चलते हैं देखते हैं हमें कौन सा भूत पकड़ना है। हम तो बचपन से भूत पैदा हुए। ऑल राइट सो जैसे तुम देख सकते हो ये बिल्डिंग का एंट्रेंस यहाँ से जो कि बिल्कुल भी अजीब टाइप है। आई मीन जाने से पहले थोड़ा धक-धक हो रहा है बट चलते देखते आगे कौन जाएगा भाई। सीरियसली मानो मत मानो यहाँ से अगर कोई प्रॉपर फोटोग्राफर है और वो वैसा शॉट लेगा आई मीन मेरा बोलने का मतलब है यहाँ से तुम लोग ये तीसरा स्लैब देख सकते हो पहला दूसरा और तीसरा और तीसरे स्लैब को अगर मैं बैठूँ प्रॉपरली अगर मैं बैठूँ तीसरे स्लैब को यहाँ तक पहले रखे उसके बाद वो प्रॉपर एंगल लेके यहाँ से शूट करेगा ना फोटो वो शूट फोटो बॉम्ब रहेगा। बट ये जगह डूड सही में दिन के वक्त ये जगह इतनी हॉन्टेड है रात को कैसे रहेगी। चलो ऊपर चल के देखते हैं भाई। जो गाइस यहाँ पे और भी जगह है बट यहाँ पर अंदर कौन जाएगा पता नहीं। मैं फ्लैश मारता हूँ पकाओ डूड ये सब बहुत ज़्यादा फ्लैश मार के दिखा रहा हूँ। ये पूरा ये घर है वॉश बेसिन है जो की कई सालों से यूज नहीं हुआ है। कैसा फील हो रहा है एक रात रह सकता है मतलब ये 2 BHK का घर है तुम देख सकते हो। जैसे भी ये यहाँ का टॉयलेट है एंड ये यहाँ का वॉशरूम जहाँ पर खड्डे हो चुके हैं वहाँ से झाड़ी की रोशनी आ रही है एंड यहाँ पर ऊपर सामान रखने की जगह है एंड ये यहाँ का मास्टर बेडरूम है आई थिंक सो। ये जो उसने भी बिल्डिंग बनाई है भाई देखो आपकी बिल्डिंग टूटने के बाद हम यहाँ का रिव्यू कर रहे हैं बहुत बड़े मजे से। सो वही तो चलो बाहर चलते हैं। सो गाइस अभी हम लोग ने नीचे का एक रूम तो देख लिया अब हम जाते हैं ऊपर एंड देखते हैं क्या देखने मिलता है क्या नहीं। गाइस सच बोलूं तो मेरी फट रही थी बट मुझे वीडियो लेना था मैंने लिया। आई मीन डूड फक शिट ऊपर आके देखते मैं यहाँ था और मेरे को किसी ने बोला दानिश दानिश मैं पलटा बट ये बंदे वहाँ खड़ा था इसका मुंह मेरे तरफ था ही नहीं। डूड इससे नहीं बोला मेरे को इसकी आवाज़ जानता हूँ बहुत अच्छे से मैं इसकी आवाज़ जानता हूँ। डूड यहाँ नहीं रुकने का चलो यहाँ नहीं रुकना है मुझे आने से पहले यहाँ पे बोला गया था कि यहाँ पे ये बहुत अबेंडेंट प्लेस है यहाँ पे बहुत बार सुनाया गया है बट मेरे को नहीं पता कसम।
ऑलराइट सो गाइस तुम लोग देख सकते हो बहुत लोग मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें फोटो शूट के लिए जगह चाहिए, मैं किसी जगह पर आता हूँ फोटो शूट के लिए, तो गाइस मैं ऐसी सब जगह पर आता हूँ फोटो शूट्स के लिए, बिकॉज मुझे ऐसी सब जगह पसंद है। बट फिलहाल मैं जो फोटो शूट कर रहा हूँ वो मैं सिर्फ विजुअल के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल ज़्यादा फोटो शूट नहीं कर रहा, बिकॉज मुझे विजुअल के ऊपर काम करना है, मुझे वो चीज़ पसंद आ रही है तो मैं उस चीज़ को लेकर चल रहा हूँ। तो ये व्लॉग मुझे ये फोटो शूट इसलिए करना था बिकॉज वो जगह मुझे पसंद है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आया। एंड गाइज मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ अगर वीडियोस के ऊपर, मैं अपने ब्लॉग्स के ऊपर इतनी मेहनत करता हूँ, तुम लोग का भी काम बनता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड जैसे कि हमेशा का बहुत मजाक मस्ती करते हैं हम, बहुत ये वो करते हैं हम, बहुत से प्रैंक्स करते हैं, हमने बहुत चीज़ करी, बट ये बार जो मैं बात कर रहा हूँ थोड़ी सीरियस बात कर रहा हूँ। अगर मैं गाइज मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं डेली व्लॉग्स ड्रॉप करने की बात कर रहा हूँ, जब मैं इतनी हिम्मत जुटा रहा हूँ व्लॉग करने के लिए, तो तुम लोग का भी काम बनता है कि तुम लोग सब्सक्राइब करके जाना चैनल को, बिकॉज गाइज मैंने बहुत मेहनत करी है इस लेवल तक आने के लिए। फिलहाल अभी हम लोग शायद 90K के ऊपर है, 90K के ऊपर है, मतलब आई मीन 90,500 समथिंग है मेरे सब्सक्राइबर्स, एंड अभी 100K के थोड़ी दूर पे, बट मैं 100K का टारगेट लेके नहीं चल रहा हूँ, मैं इस चैनल को 1 मिलियन का टारगेट लेके चल रहा हूँ, बिकॉज मेरा वो चैनल ऑलरेडी 500K था। एंड दुख होता है डूड जब इतना बड़ा चैनल जाता है, तो इसके लिए मैं फिर भी मैंने हार नहीं मानी, मैं मेहनत कर रहा हूँ इस चैनल के ऊपर। सो वही इसमें तुम लोग इतना ही बोलूँगा गाइस कि मैं जब इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो तुम लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब करके आना, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं एंड फैमिली में ज्वाइन कर लो। सो वही, सो आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो, इफ यू गाइस डिड मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय YouTube चैनल एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेक्सी बाई बाय। Lion's gone and come, the birds have just begun, we will always take a stand.